दोस्तों डांडिया क्वीन कही जाने वाले फाल्गुनी पाठक इन दिनों सुर्खियों में हैं। इनकी 90 दशक की आइकॉनिक गाना मैंने पायल है छनकाई का रीमेक हुआ है, जिसे गाया है नेहा कक्कर ने। और ये गाना रिलीज होने के बाद सोशल मीडिया पे नेहा कक्कर को लेकर काफी चर्चा हो रही है। लोग तो कमेंट बॉक्स में ये कह रहा है कि ओल्ड इज गोल्ड, 90 की दशक की गानों को डिस्ट्रॉय मत कीजिए। वहीं दूसरी तरफ लोग फाल्गुनी पाठक की तारीफ करने में भी लगे हुए हैं। इनमें से कई लोग तो फाल्गुनी पाठक की लाइफस्टाइल और बायोग्राफी के बारे में भी जानना चाह रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको फाल्गुनी पाठक की लाइफस्टाइल और बायोग्राफी के बारे में बताने वाले हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको फाल्गुनी पाठक की गाना पसंद है तो इस वीडियो को कर दे लाइक और ये वीडियो को अपनी दोस्तों के साथ शेयर कर दे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू किया जाए। दोस्तों इनकी रियल नेम फाल्गुनी पाठक है और निक नेम क्वीन ऑफ डंडिया है और ये पेशे से एक सिंगर और एक म्यूजिक कंपोजर है। दरअसल इनकी जन्म हुई थी 12 मार्च सन 1969 को मुंबई महाराष्ट्र में और 2022 के हिसाब से फाल्गुनी पाठक अब 53 साल की हो चुकी है। दोस्तों ये नेशनलिटी से इंडियन है और रिलीजियन से हिंदू है। और वही अगर बात करें इनके जोडेक साइन के बारे में तो इनकी जोडेक साइन है पिसेस। चलिए अब बात करते इनके फिजिकल स्टेट्स के बारे में। दोस्तों इनकी हाइट है 160 सेंटीमीटर यानी कि 5 फीट 3 इंचेस और वेट है लगभग 75 केजी यानी कि 165 एलवीएस। दोस्तों इनकी आई कलर डार्क ब्राउन है और हेयर कलर ब्लैक है। दोस्तों अगर बात करें इनके एजुकेशन लाइफ के बारे में तो आपको बता दें कि इन्होंने अपनी स्कूलिंग की पढ़ाई किया है अपने शहर की लोकल स्कूल से और इसके बाद इन्होंने मुंबई की SMT MM के कॉलेज से कॉमर्स सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की पढ़ाई किया है। वैसे तो फाल्गुनी की जन्म एक गुजराती फैमिली में हुई थी जहां इनके अलावा और भी 3 बहन शामिल थी और आपको ये भी बता दे कि इनमें से सबसे छोटी थी फाल्गुनी पाठक। दोस्तों फाल्गुनी पाठक बचपन से ही रेडियो पे गाना सुनना काफी पसंद करते थे और ऐसे ही गाना सुनने के बाद सिंगिंग के प्रति उनकी इंटरेस्ट आने लगी। दोस्तों को बता दे कि वो जब 9 साल की थी तब उन्होंने इंडिपेंडेंस डे के दिन फर्स्ट टाइम के लिए स्टेज परफॉर्मेंस की थी INS उदयगिरी शिप पे, जहां पर वो कुर्बानी फिल्म की लैला ओ लैला गाना गाई थी। लेकिन ये खबर उनके पिताजी के कान तक पहुंचते ही उनके पिताजी ने उनको फिजिकल पनिशमेंट दी थी। एक गुजराती फैमिली में जन्म होने के कारण इनको गरबा सॉन्ग सुनने की आदत पड़ गई थी। दोस्तों एक इंटरव्यू में इन्होंने खुद कही थी कि इनकी माँ ने इनको गरबा फोक सॉन्ग की ट्रेनिंग दिया है और इसके बाद ये नवरात्रि में एज अ कोरस सिंगर अपनी सिंगिंग करियर स्टार्ट की और इसके बाद इन्होंने सन 1994 में स्टेज परफॉर्मेंस की थी स्टेज बैंड तथैया के साथ और इसके बाद इन्होंने सन 1998 में यूनिवर्सल म्यूजिक के साथ खुद की एल्बम रिलीज की थी जिसकी नाम थी याद प्रिया की आने लगी। और ये एल्बम रिलीज होने के बाद ही काफी लोग इनको पसंद की और इनके गानों की सीडी खरीदने लगे। दोस्तों इन्होंने फेमस म्यूजिक टीचर भवदीप जयपुर वाले से 5 साल के लिए वोकल म्यूजिक की ट्रेनिंग लिया है। चलिए दोस्तों बात करते हैं फाल्गुनी पाठक की फैमिली के बारे में। दोस्तों ये है फाल्गुनी पाठक की फादर और ये है फाल्गुनी पाठक की मादर। दोस्तों इनके फैमिली में फाल्गुनी के अलावा और 3 बहन हैं, जिनमें से फाल्गुनी पाठक सबसे छोटी है। चलिए दोस्तों बात किया जाए इनके हाउस के बारे में। दोस्तों आपको बता दें कि फाल्गुनी पाठक अपनी फैमिली के साथ 501 शिल्पा बिल्डिंग वेस्ट एवेन्यू रोड सांता क्रूज वेस्ट मुंबई में रहते हैं। दोस्तों अगर बात करें इनके कार कलेक्शन के बारे में तो आपको बता दें कि इनके पास है एक व्हाइट कलर की मिनी कूपर कन्वर्टेबल कार जिसकी कीमत है लगभग 65 लाख रुपए और इसके अलावा इनके पास है एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज जिसकी कीमत है लगभग 1 करोड़ 40 लाख रुपए। और वही अगर बात करें इनके मैन्युफैक्चरर के बारे में तो फाल्गुनी पाठक एक नवरात्रि इवेंट करने के लिए चार्ज करती है लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए। और वही अगर बात करें इनके नेटवर्थ के बारे में तो 2022 के हिसाब से फाल्गुनी पाठक की टोटल नेटवर्थ है लगभग 12 से 15 करोड़ रुपए। तो दोस्तों ये थे आपकी फेवरेट सिंगर फाल्गुनी पाठक की लाइफस्टाइल वीडियो। वीडियो आपको कैसा लगा ये नीचे कमेंट करके हमें जरूर बता दे। वीडियो अगर अच्छे लगे तो एक लाइक जरूर कर दे इस वीडियो के लिए और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दे।